मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते आज की खास खबर, पिस्तौल की नोक पर करोड़ों का प्लॉट हड़पा, अंबेकर टोली की एक और हफ्ता वसूली, साथी की मदद से दिया अंजाम, व्यापारी हुआ शिकार। गैंगस्टर संतोष अंबेकर ने साथी की मदद से पिस्तौल की नोक पर करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करके हफ्ता वसूली की है। पीड़ित व्यापारी द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद यह मामला सामने आया है। बजरंग नगर मानेवाड़ा मार्ग निवासी संजय रहाटे का इतवारी में आंबेकर के घर के पास प्लॉट था। आंबेकर जमीन हथियाने के लिए कुख्यात है, उसकी रहाटे की जमीन पर नजर गई। आंबेकर ने रहाटे पर प्लॉट बेचने के लिए दबाव डाला, उसके तैयार नहीं होने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी देने लगा। उसने रहाटे को रजिस्ट्री कार्यालय में आने के लिए मजबूर किया। आंबेकर ने अधिकांश प्रॉपर्टी अपने गुर्गों के नाम पर खरीदी है। उसने रहाटे का प्लॉट नवाबपुरा निवासी नितेश पुरुषोत्तम माने के नाम पर खरीदा। नितेश आंबेकर का रिश्तेदार भी है। उसने रहाटे को धमकाकर रजिस्ट्री के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को कहा। वह सौदा 55 लाख रुपए में किया गया था। नितेश ने रहाटे को रजिस्ट्री के वक्त 5 लाख रुपए का चेक दिया, बकाया 50 लाख रुपए आंबेकर के घर पर देने का आश्वासन दिया। रहाटे बकाया 50 लाख रुपए लेने के लिए आंबेकर के घर पहुंचा। आंबेकर ने रुपए देने के बजाय रहाटे की कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर जान से मारने की धमकी दी। रहाटे से नकदी अथवा चेक के रूप में 5 लाख रुपए देने को कहा। रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देकर रहाटे के प्लॉट पर कब्जा भी कर लिया। मददगारों की असली भूमिका। 2 दशक से अपराध जगत में सक्रिय होने के बावजूद आंबेकर को सजा नहीं हुई है। इस दिशा में जांच करने पर पुलिस को आंबेकर के पास वकील, दलाल, अफसर, नेता और मीडिया में रिश्ते होने का पता चला है। इन लोगों की मदद से वह गवाह और पीड़ितों को धमकाने अथवा प्रभावित करने का काम किया करता था, जिसके बाद वह बड़े से बड़े मामले में आसानी से बाहर निकल जाता था। पुलिस जांच में ऐसे लोगों के नाम उजागर हुए हैं। आंबेकर को पैर जमाने में उन्होंने काफी मदद की है, इसके बदले में उनकी मुट्ठी भी गर्म की गई है। पुलिस उन्हें भी सबक सिखाने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है। इसी कड़ी में गत दिनों एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का तबादला भी हुआ है। बता दें, आंबेकर टोली के खिलाफ भी मकोका की कार्रवाई की जा सकती है। अब आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।